तो भाई नए साल में जैसे ही शॉर्ट मोनेटाइज हुए सब लोग बहुत खुश हो गए कि भाई अब तो बहुत ही पैसा आने वाला है, शॉर्ट्स बनाएंगे, दबा के पैसा कमाएंगे। और मैं गारंटी से कह रहा हूं अब 2023 में इतने सारे नए शॉर्ट्स के चैनल ओपन होंगे, मतलब मैंने ही पिछले दो दिन में बहुत सारे शॉर्ट्स के चैनल लोगों के लिए ओपन करके दिए। मतलब बहुत सारे लोग मेरे पास है, हमारा शॉर्ट्स का चैनल बना दो, हमारा शॉर्ट्स का चैनल बना दो, जो लोग हमारे सिटी के थे तो उनके भी मैंने शॉर्ट्स के चैनल बना के दिए। लेकिन 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 भाई साहब, जब कोई चीज मोनेटाइज होती है तो नियम भी सख्त हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ इस तरह के शॉर्ट्स के चैनल बताने वाला हूं जो अगर आप बनाओगे तो वो बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के शॉर्ट्स आपको बिल्कुल भी नहीं बनाने, वरना भैया एक रुपया भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ऐसी अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहती है चैनल से। तो यार सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि वीडियो देखते हो आप, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, फ्री है बिल्कुल, लेकिन हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिकबैट ओनली टेक। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझा दूं, जैसा मैंने बताया कि जब कोई चीज मोनेटाइज होती है तो नियम भी सख्त हो जाते हैं। तो पहले जो लॉन्ग वीडियो के लिए पहली बात तो जो नियम थे वो अब शॉर्ट्स पर भी लागू होंगे। इसके अलावा और भी काफी चीजें वो भी डिस्कस करेंगे। अब लॉन्ग वीडियो के लिए जो नियम थे, जैसे कम्युनिटी गाइडलाइंस अगर आप फॉलो नहीं करते थे तो लॉन्ग वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती थी। अगर आप किसी का कॉपी कट करते थे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आती थी, वो अब शॉर्ट्स में भी आएगी। अगर आप शॉर्ट्स इस तरह के बना रहे हो कि आप कम्युनिटी गाइडलाइन बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देखने को मिलेगी शॉर्ट पर भी, ये चीज ध्यान रखें। और अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन पता नहीं है कि क्या क्या पॉलिसीज है तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा, जाके देख लेना, मैंने कंप्यूटर में समझाया गया। तो कोई भी शॉर्ट्स आप बनाते हो वो कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, पहली बात तो ये, वरना उसका कोई मतलब नहीं, आपको स्ट्राइक पड़ेगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए जो यूट्यूब का टूल है उसमें म्यूजिक पिकर है, उससे अगर म्यूजिक पिक करके आप बनाते हो तब तो ठीक है, तब तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन लेकिन अगर आपने बाहर से कहीं से कोई भी अपनी मर्जी का म्यूजिक यूज करके डांस किया या शॉर्ट्स बनाया तो आपको यहां पे क्या होगा, कॉपीराइट क्लेम भी देखने को मिलेगा। और कॉपीराइट क्लेम जिन वीडियोस पर होगा उनका पैसा आपको नहीं मिलेगा, पैसा जाएगा म्यूजिक ओनर को। इसके अलावा अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो 10 मिलियन व्यूज का जो क्राइटेरिया उसमें भी ऐसे शॉर्ट्स के व्यूज काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप बाकी जो सोशल मीडियाज है उनसे अगर कंटेंट को कॉपी करेंगे और शॉर्ट्स में यहां डाल देंगे, जैसे मान लो इंस्टाग्राम से आपने रील्स कॉपी कर लिया, कहीं और से कर लिया और आपने शॉर्ट्स में डाला, तो भी आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है रीयूज कंटेंट की। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप किसी भी बड़े क्रिएटर की कोई वीडियो है जो पॉपुलर क्रिएटर है उसमें से कट करके कोई भी पार्ट शॉर्ट्स में डाल दोगे तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। और अगर उसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया तो आपका शॉर्ट मोनेटाइज तो छोड़ो, डाउन भी हो जाएगा, आपको एज इट इज स्ट्राइक लगेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि जो पहले नियम जैसे भी लॉन्ग वीडियोस के लिए थे वो अब शॉर्ट्स के लिए भी होंगे। तो आप जो भी शॉर्ट्स बनाए उसकी पॉलिसीज को ध्यान रखें कि भाई लॉन्ग वीडियो में जो पॉलिसी चलती है सेम शॉर्ट वीडियो में, तो शॉर्ट वीडियो ध्यान से सोच समझ के ही क्रिएट करें। ऐसा नहीं है भाई कि पैसे के चक्कर में आप यूट्यूब पे कुछ भी कर देंगे, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी और आप एक भी रुपया नहीं कमा पाएंगे। तो ऐसे शॉर्ट्स बनाने से आप बचे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, इसी तरह के कंटेंट आपको यहां पे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।